ये इसके अंदर टमाटर लगे दिखाता हूँ जो उगाई हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। साथ में कोई धनिया शनिया भी लग, पर एक छोटी सी नर्सरी बनाई हुई है, ये आपने देख पड़ी हो। आप सोच रहे भाई इसका इधर क्या काम है। अब ये कराची शहर और ये मिट्टी का चूल्हा बनाया, क्योंकि वह परिंदों के लिए पानी और बाजरे का इंतजाम कर रहा है। भाई पानी तो फिलहाल पड़ा हुआ है, बाजरा इधर खत्म हुआ है, बाजरा लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, तो आज रेस्ट का दिन था, आज मैं घर पे था, मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए व्लॉग शूट किया जाए, ठीक है। और अच्छा एक आपको एक और ख़बर दे दूँ कि भाई इसी हफ्ते के अंदर पंजाब का भी टूर है, तो पंजाब से भी आपको बड़ी मज़े की वीडियो हम बना के देंगे, रास्ते के भी वहाँ पर पहुँचते साथ, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन व्लॉग आने वाले पंजाब के भी, तो आपने जुड़ के रहना, हमारे साथ रहना। तब तक आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। भाई छत पे आया हूँ, बहुत धूप है, गर्मी आप देख रहे होगे, पसीना भी मुझे बहुत आ रहा है, तो इसीलिए नीचे चलते पहले। अच्छा आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई शहर के अंदर देहात का माहौल। नीचे तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, तो ये नर्सरी बनी हुई है, ठीक है, तो नीचे तो ऐसे ही जाना था। ये मैं आपको अपने घर के भी नर्सरी दिखाता हूँ जो उगाई हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसके अंदर टमाटर लगे हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे, ये साथ में कोई धनिया शनिया भी लगाया हुआ है, और ये पता नहीं कोई बादाम का मेरे ख्याल से दरख्त लगा हुआ है, छोटा सा ही है कोई पौधा सा, और ये भी कोई साथ में कोई लगा हुआ है, और ये इसी तरीके से ऊपर भी लगाया हुआ है, और बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको पता है हरियाली बहुत ही प्यारी लगती है घर में, और ये चीज़ होती है गाँव देहातों में, पर हम लोगों ने अपने घर में उगाई हुई, आप भी उगाया करें, ठीक है। ये छत के ऊपर एक छोटी सी नर्सरी बनाई हुई है, ये आपने देख तो ली होगी, विज़िट तो आपने की होगी। तो अच्छा यहाँ पे अभी मैं आपको अभी नीचे चल के एक और भी देहात वाला माहौल दिखाऊंगा, गांव वाला, एक तो अभी आपने देख लिया है, अब एक नीचे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये मैं नीचे उतर गया हूँ, अभी आपको मैं सबसे मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो ये लकड़ियाँ पड़ी हुई, आप सोच रहे हो भाई इसका इधर क्या काम है। अभी है कराची शहर, ये लकड़ियाँ हम लोग लेके आए हुए जलाने के लिए, हंडी पकाने के लिए। आपको पता है कराची के अंदर गैस तो आती नहीं है, ये सारा सामान है ये देखो, और ये मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है, ये रहा है नहीं देहात वाला माहौल कराची के अंदर। तो ये अभी पक रही है, ठीक हो गया, और ये जो इस तरह पड़े अभी आपने लकड़ियाँ तो देखी है, ये जंगल से भी मिल जाती है, और अगर जंगल से नहीं तो आप पैसों को भी ख़रीद सकते हो, वहाँ से भी काट के ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गैस तो लगे हुए पर मीटर लगे हुए उनके अंदर गैस नहीं आती, तो इसीलिए भाई लकड़ियाँ जलानी पड़ती है, और बड़ी मुश्किल होती है, पर क्या करें, गांव जैसा माहौल, देहात जैसा माहौल मिला हुआ है कराची के अंदर भी। ये आप देख सकते हो ये हंडी पक रही है और ये सारी लकड़ियाँ वगैरह। अब सालन तैयार हो रहा है, ये तैयार होता है फिर देखते क्या पकता है, फिर खाते। तो भाई खाना खा लिया था दोपहर का, उसके बाद मुझे आ गई थी नींद, तो मैं बिल्कुल सो गया था। अब तकरीबन बज रहे साढ़े चार बज रहे, अभी उठाऊँ और अब चाय बनी है, चाय मैं आपको दिखा दूँ, ये चाय आ गई है, और चाय के साथ ये बकरखानी आ गई है, और ये हमारी चाय आ गई है, तो अभी चाय पीते। अच्छा अभी मैं आ गया ऊपर, ज़रा इधर नर्सरी को थोड़ा पानी दे देते, थोड़ा पौधों वौधों को पानी वगैरह दे देते, ये आपको पता है पानी तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है ना, ये ग्रीनरी है, ग्रीनरी घर में अच्छी होती है, आप लोगों की छत पर जगह तो भाई आप लोग भी ग्रीनरियाँ वगैरह बनाएँ, तो बाकी पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे से पहले भी किसी ने पानी इनको पहले ही डाल दिया है। अच्छा 2 बजे आए हुए थे, धूप बहुत कड़क थी 1-2 बजे, अब तकरीबन 4:30-5 बज रहे, तो अब धूप पहले से बहुत नॉर्मल हो चुकी है, तो अब उस तरीके से धूप कड़क नहीं है कि चुभ रही है, ये आप देख सकते हैं, तो अब धूप पहले से बहुत नॉर्मल है। ओहो ये देखो आप, ये प्लेटों के ऊपर कितनी मिट्टी आई हुई है, आपको नज़र आ रही है, तो इसको भी साफ़ करते, क्योंकि ये मिट्टी जब होती है तो इससे ये चीज़ नुकसान होता है कि भाई आपको वोल्टेज पूरे नहीं जमा होते, वोल्टेज जो आपके नीचे जा रहे होते हैं ना बैटरी को, जब धूल पड़ी हुई होती है ना प्लेटों के ऊपर, सोलर के ऊपर, तो आपके जो वोल्टेज होते हैं वो पूरे नहीं जाते और आपकी बैटरी स्लो चार्ज होती है, तो इसीलिए भी इसको हम लोग थोड़ा सा साफ़ करते हैं। धूल तो आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए आप कितनी मिट्टी इसके ऊपर जम गई है। तो कपड़ा मैंने मार दिया सोलर पैनल के ऊपर, ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो पहले कितनी धूल थी, अब वो धूल ख़त्म हो गई है, खाली वहाँ पर थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि वहाँ पर हाथ पहुँच नहीं रहे, उसके लिए कोई वाइपर वगैरह मारना पड़ेगा कोई किसी डंडे के साथ, इससे ये होता है कि अब जो वोल्टेज है ना वो नीचे बिल्कुल ओके ओके जाएगी, और बैटरी जो है वो बिल्कुल टाइम से और फुल चार्ज होगी, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि भाई आपकी बैटरी जो है वो टाइम पे और फुल चार्ज होती है, जिससे आपके पास रात का बैकअप अच्छा खासा आ जाता है।
अच्छा गर्मी का मौसम भी आ गया। आपको एक और भी बात बताते चलो कि भाई गर्मी का मौसम है, छतों के ऊपर परिंदों के लिए पानी और बाजरे का इंतज़ाम करके रखा करें, क्योंकि इससे बहुत सवाब होता है और वो बेज़बान है, उनको भी कुछ खाने को मिलता है। तो आए ज़रा चेक करते हैं हमारे पास जो हमने पानी आगे रखा हुआ है, ख़त्म हो गया तो उसको भरली करते, पड़ा हुआ है तो उसको फिर देखते हैं कितना पड़ा हुआ है, पूरा करना है या कम हुआ है। तो आए देखते हैं आगे पानी है या नहीं। तो ये रहा भाई पानी, तो फ़िलहाल पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से बाजरा ख़त्म हो चुका है, पानी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बाजरा इधर ख़त्म हुआ है, बाजरा लाना पड़ेगा। और जो पानी है वो गंदा हो गया, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करके साफ़ भरेंगे। पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है परिंदों के लिए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है ना, फिर परिंदों को प्यास भी लगती है और हीटअप भी बहुत है। जैसे मैं अभी 2 बजे आया था तो अच्छी खासी धूप थी, कड़क धूप थी, मुझे ख़ुद पसीना पसीना हो रहा था। तो इसीलिए आप भी कोशिश किया करके छतों के ऊपर परिंदों के लिए पानी लाजमी रखा करें। अगर बाजरा नहीं रखते, बाजरा महंगा है, पर पानी को लाजमी रखा करें भाई। ये ग्रीन कपड़ा जो आप देख रहे हैं, आज मैंने बड़ी मुश्किल से बांधा है, क्योंकि ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे छोटा चूल्हा बनाया हुआ है, ये वाला, ये लकड़ियाँ वगैरह पड़ी, तो जो खाना वाना पकाना होता है तो फिर ये छत है, तो यहाँ पर धूप बहुत आ रही होती है, तो इससे मैंने धूप को आज कवर किया है। तो अभी हम छत से नीचे उतर रहे, इसको मैंने यहाँ पर भी बांध दिया है और यहाँ पे भी बांध दिया है, वहाँ पे भी बांध दिया है, और फ्रंट पे ऐसे ले आया हूँ कि यहाँ पे कोई बैठता है। ये हमारी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई, ये लकड़ियाँ यहाँ से उठाएगा, ये चूल्हा है, यहाँ पे आराम से कुछ भी पका सकता है। ठीक है भाई, लकड़ियाँ तो इसीलिए रखी हुई है कि आपको पता है कि भाई गैस बहुत मुश्किल से आती है, ना होने के बराबर है, और LPG सिलेंडर घर में रखना ख़तरनाक है। आपको पता है सिलेंडर से बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, इसीलिए सिलेंडर नहीं रखते, इसीलिए ये वाली लकड़ियाँ ला के घर के अंदर रखी हुई है। ये देख रहे हो, ये कच्ची मिट्टी का बना दिया, ये आप देख सकते हो, ये कच्ची मिट्टी का चूल्हा बनाया, घर पे खुद बनाया, ठीक है, कि ज़मीन को और फर्श को भी ख़राब नहीं करे। तो अभी हमने ऊपर सोलर को भी साफ़ किया था, सोलर पैनल को, तो अब देखते हैं कि भाई ऊपर से इस टाइम पे 5 बजे कितने वोल्ट आ रहे नीचे, क्योंकि अभी हमने उसके ऊपर कपड़ा भी मारा है, कपड़ा भी मार के चेक किया। अभी कंट्रोलर की तरफ चलते, ये आ गया कंट्रोलर, ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी फुल है, ये ऊपर से वोल्ट आ रहे 6.2 वोल्ट, और हमने अभी जो ऊपर कपड़ा मारा है तो उसके बाद ये ऊपर से 6.2 वोल्ट आ रहे, क्योंकि उसके ऊपर धूप सही लग रही है। तो अभी आपने कंट्रोलर भी देख लिया, कंट्रोलर के अंदर जो वोल्ट आपने देखे ऊपर से 6.2 आ रहे हैं, ये इस टाइम पे तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम है, इसीलिए वोल्टेज कम है। ये जब पीक टाइम होता है जैसे 1 बज गया 2 बज गया तो उसके अंदर तकरीबन 13 तक और 14 तक पहुँच जाता है, जिसमें बैटरी फुल चकाचक और फुल ज़बरदस्त चार्ज हो जाती है। अच्छा, आपको बताने का सिर्फ मेरा ये मकसद ये कि आप भी अपने घर पे सोलर लगाएं, क्योंकि भाई इससे सबसे मेन फ़ायदा जो आपको पहुंचेगा ना, सबसे मेन फ़ायदा ये पहुंचेगा कि आपकी लोड शेडिंग से जान छूट जाती है। एक आपकी लोड शेडिंग से जान छूट जाती है, लाइट किस टाइम आ रही है, किस टाइम जा रही है, आपको कोई ख़बर नहीं है। नंबर 2 के बिल जो है आपका आधा अधूरा हो जाता है। ठीक हो गया, तो अज़ान हो रही है, पहले अज़ान सुन लेते उसके बाद। तो भाई फ़िलहाल आज के वीडियो को करेंगे यहीं पर फाइनल, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ के रहना, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आपको पंजाब के भी व्लॉग में दिखाऊंगा, कि पंजाब का टूर लगा हुआ है, इंशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत जल्दी जाना हो जाएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिले। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।